हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है। सोनिया ड्रॉ अ बिल ऑन मोनी ऑफ ₹6,000 एट 4 मंथ्स। इसका मतलब यहाँ पर गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं आने वाली है, डायरेक्टली कौन सी एंट्री आने वाली है हम लोगों को, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स एक्सेप्ट की एंड बिल्स ड्रॉन की। सो फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनिया। सोनिया ड्रॉ अ बिल मतलब सोनिया ड्रॉवर है। सो इन मैंने ऊपर लिख दिया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनिया, डेट के कॉलम में लिख दिया 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 2, मोनी अकाउंट 6,000 6,000, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बिल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब ड्रॉ भी साइन करके ड्रॉवर के पास रिटर्न कर रहा है, मतलब सोनिया के पास रिटर्न कर रहा है। तो सोनिया के पास बिल आ रहा है ना, बराबर आया तो डेबिट। उसके बाद क्या बोला है, सोनिया वुड डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एट डिस्काउंट 8% पर एनम। सोनिया ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ। ओके, बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ, इसका मतलब क्या किया, बिल बैंक को दे दिया और उसके बदले में क्या लिया, कैश। बिल दिया बैंक को और उसके बदले में कैश लिया, बराबर। सो मेरे पास पैसे आ रहे, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर एक लाइन छोड़ दिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पैसे आए इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल गया इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। बिल रिसीवेबल था 6,000 का और 6,000 के ऊपर, बिल के ऊपर हम लोग ने क्या किया, 8% डिस्काउंट किया। सो डिस्काउंट का कैलकुलेशन देख लो यहाँ पर, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट 6,000 इंटू 8% बोला था, 8/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए बिल बना था, 4 मंथ्स, सो 4/12। सो देखो 4 1 3 1 3 2 2 0 कट 2 0 कट 20 इंटू 8 160। सो डिस्काउंट कितना आया, 160। सो 6,000 में से 160 गया तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 5,840, बचा हुआ 160 डेबिट साइड में। समझ में आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड लिख दिया उसके लिए, बिंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक। उसके बाद क्या हुआ है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल मोनी रिक्वेस्ट सोनिया टू एक्सेप्ट 4,000 इन कैश एंड ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। ओके, उसने रिक्वेस्ट की, मोनी ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि पुराना वाला बिल कैंसिल कर दो और न्यू बिल बनाओ। न्यू बिल बनाओ तो सबसे पहले आधा पेमेंट ले लो कैश में, 4,000 है मेरे पास अभी, ले लो 4,000, बाकी बचा हुआ आप लोग बिल बनाओ, उसके ऊपर चाहिए तो 12% इंटरेस्ट ले लो। ओके, सो ये कंडीशन उसने दिया है, अब सोनिया ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सोनिया ड्रॉ अ बिल एज अ रिक्वेस्ट इज एग्रीड, फिर सोनिया ने क्या किया, रिक्वेस्ट एग्री की। सो आगे का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सो पहले क्या करेंगे, जो बिल कैंसिल कर, ओल्ड बिल था वो कैंसिल करेंगे। सो कैंसिलेशन का एंट्री क्या आता है, डिसऑनर या फिर कैंसिलेशन। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्यों, क्योंकि डिसऑनर होता है तो मेरा दिमाग ख़राब होता है, दिमाग ख़राब हुआ तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉवी के मुंह पर फेंक के मारता हूँ बिल, बराबर। इसके लिए बिल चला जाता है और किसको गया, तो ड्रॉवी को, इसके लिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट यहाँ पर बिल मेरे पास है क्या, नहीं, मैंने क्या किया था, बिल डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, तो बिल किसके पास है अभी, बैंक के पास है। सो मेरी एंट्री क्या बनी, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी कौन था, मोनी, मोनी इज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल किसके पास था, बैंक, सो बैंक अकाउंट 6,000 6,000 बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। उसके बाद बोला था उन्होंने न्यू बिल बनाने के लिए प्लस इंटरेस्ट, सो प्लस इंटरेस्ट के लिए मुझे पहले ऐड करने के लिए पहले इंटरेस्ट चार्ज तो करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बैलेंस अमाउंट के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितने अमाउंट का बिल था पहला पुराना, 6,000 का, उसमें से 4,000 उसने पेड किया, सो बचा बैलेंस कितना था, 2,000,
बराबर। सो 2000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पेड करेंगे, 2000 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था, 12% पर एनम, सो 12/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए न्यू बिल बनाया, 2 मंथ्स, सो 2 / 12, 12 कट, 0 कट, 20 × 2, 40, बराबर। सो इंटरेस्ट चार्ज हुआ 40। इंटरेस्ट की एंट्री कैसी बनेगी, सो इंटरेस्ट मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बराबर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इंटरेस्ट क्या था, इनकम था, इसके लिए उस इंटरेस्ट को कहाँ पे लिख दिया मैंने, क्रेडिट साइड में, किसके ऊपर चार्ज किया, ड्रॉबी के ऊपर, ड्रॉबी इसके लिए डेबिट में, ओके। सो उसके बाद न्यू बिल बनाना है, न्यू बिल विथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, बराबर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मोनीस अकाउंट, 20/40, 20/40, 2000 का बिल था प्लस 40 रुपीज इंटरेस्ट, 20/40, 20/40, बराबर। ये पार्ट पेमेंट की एंट्री थी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोनीस अकाउंट 4000, 4000, पार्ट पेमेंट, बिग पार्ट पेमेंट ये वाला, बराबर, समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल क्या किया, बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। सो मेरे पास से बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, तो फिर क्रेडिट साइड में, सो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटेड, ऊपर क्या आएगा, हम लोग जैसे चेक कट करते, तो चेक कट किया तो हम लोगों को क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलती है, वैसे ही अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए दिया तो उधर से भी मुझे क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, और वो रिसिप्ट का नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। सो यहाँ पर वो रिसिप्ट आ रही है ना, डेबिटेड आई तो डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20/40, 20/40, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद देखो क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज हॉनर, बैंक चार्जेस वो सब कुछ बोला नहीं है तो हम लोगों को वो चार्ज नहीं करना है। सो देखो लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, पैसे आ रहे हैं ना, हॉनर हुआ मतलब पैसे आ रहे, अभी बिल कलेक्शन के लिए दिया था इसका मतलब बैंक में पैसे आएंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड आया ना पैसा, डेबिटेड, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बदले में क्या देना पड़ेगा मुझे, वो रिसिप्ट, सो वो रिसिप्ट चली गई, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिटेड 2040, 2040, टोटल आपको करनी है, समझ में आया, वर्किंग नोट लिख के लेना है, ओके। आज के लिए एक ही सम, दो सम आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखो वो होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। देखो क्या बोला है, मिनल ड्रॉ अ बिल ऑन उषा 5000 एट 3 मंथ्स, मिनल ड्रॉवर है इसका मतलब आपको पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिनल, मतलब ड्रॉवर के बुक में ही एंट्री करनी है। सो सबसे पहले बिल कल, बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी, उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री आएगी 12% पर एनम बोला है, बराबर। ऑन मैच्योरिटी उषा फाइंड हर सेल्फ अनेबल टू पे मेक अ पेमेंट, मतलब बिल क्या हुआ कैंसल, एंड रिक्वेस्ट मिनल टू रिन्यू इट द बिल। सो रिन्यू करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल कैंसिल करना पड़ेगा, बिल कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कंडीशन दी है वो देखते हैं, मिनल एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट उषा शुड पे 2000 इन कैश, 2000 पार्ट पेमेंट है बराबर, एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 1 मंथ अलॉन्ग विद अ इंटरेस्ट 10% पर एनम। टोटल 5000 का बिल था, उसमें से 2000 कैश पेड हो गए, बचा हुआ कितना 3000 प्लस 10% इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। सो कैसे आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 3000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, दिस एग्रीमेंट वेयर कैरी ट्रू उषा रिटायर द बिल, बराबर। यही देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या हुआ था, वही हुआ था, रिटायर हुआ था, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, यहाँ पर 3015 पे कर रहा है आपको, यहाँ पर हम लोगों को डिस्काउंट अमाउंट दिया था, और यहाँ पर जो पेमेंट किया है कैश का अमाउंट दिया हुआ है, बस डिफरेंस कुछ नहीं है, बराबर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है,
और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ लेते हैं. On 1st March 2014, Bhim sold goods to Raju. What rupees 10,000? Bill drawn and accepted. Sold. Goods sold की entry आएगी. Raju accept the bill for rupees 10,000 3 months drawn by Bhim. Bill drawn and accepted. Second entry. Bhim discount the bill with his bank 10% per annum. Third entry. Bill discount की. On the due date, the bill was dishonor, so fourth entry dishonor ki. Raju request Bhim to accept 4,000. Fifth entry part payment ki 4,000 immediately and draw upon him a new bill for the remaining balance amount at 3 months together with the an interest 10% per annum. So sixth entry aapki aayegi interest charges ki. इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद सेवेंथ एंट्री आएगी आप लोगों की न्यू बिल ड्रॉन अलोंग विथ इंटरेस्ट. बीम एग्रीड द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड. और लास्ट एट एंट्री आएगी बिल हॉनर्ड की. समझ में आया है? सो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आज के लिए होमवर्क है. थैंक यू फॉर द टुडे.